कुल्लड़ और चाय का जो रिश्ता होता है ना, कुछ कुछ ऐसा होता है, यानी कि बहुत ही प्यारा सा रिश्ता, जैसे कि इनका प्यारा सा ये रिश्ता। रघुवीर डांस का टशन दिखाएं, सासू मां नच से मनाए, घर वाले भी मिलकर कमर लचकाए, लेकिन प्रगति है कि तब भी भाव खाए। सूट बूट पहनकर, आंखों पर चश्मा चढ़ाकर रघुवीर प्रगति को दिखा रहे हैं अपना स्वैग। और रघुवीर संग इस नच में शामिल हो गया है पूरा परिवार। भाई प्रगति नाराज है और सभी घर वाले उसे अपने नच से मनाने की कोशिश में लगे हैं। सासुमा को तो देखिए, वो तो बन गई हैं रैपर। भाई आज तो रघुवीर और घर वालों का मिशन है प्रगति को मनाना। लड़कियों को तो बहाना चाहिए होता है नाराज होने का, और हमें मनाना अच्छा लगता है। पंजाबियों का दिल वैसे ही बड़ा होता है। भाई देखो, मेरा मानना है कि रघुवीर अगर मनाएगा तो मनाएगा भी स्वैग से। तो बेसिकली मैं स्वैग के साथ मना रहा हूँ, और ये थोड़ी सी चीजें हैं मैंने उसमें और ऐड करी हैं। असल में प्रगति की नाराजगी की वजह है उसका शक। प्रगति के हाथ लगा है पानी की मौत से जुड़ा एक अहम सबूत, जिसका इशारा रघुवीर की तरफ जाता है, और इसी बात को लेकर प्रगति रघुवीर से नाराज है। लेकिन रघुवीर तो इस बात से बेखबर है। सब मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सबको पता है कि प्रगति नाराज है, अपसेट है, शायद कुछ हुआ है, तो उसको चीयर अप करते हैं। सो इट्स वेरी स्वीट हाउ द किड्स ऑफ द फैमिली, बड़ी माँ दादी सब मिलके डांस करते हैं और मुझे मनाने की कोशिश करते हैं, पर मैं मानती नहीं हूँ। अरे प्रगति, आप भले ही रघुवीर को माफ करने के मूड में ना हो, लेकिन तब भी रघुवीर तो आप पर जमकर प्यार लुटाने वाले हैं। देखिए ना, जैसे ही प्रगति के पाँव में चोट आई, रघुवीर उन्हें बड़े ही प्यार से गोद में उठाकर ना सिर्फ बिस्तर तक लाए, बल्कि उन्हें अपने हाथों से मरहम भी लगाया। जी तो मेरे पैर में चोट लगी है, एंड किसी को पता नहीं कैसे लगी है, बट लग गई है। एंड ऑफ कोर्स रघुवीर इज अभी उसका जो टेक है प्रगति की तरफ, धीरे धीरे बहुत केयरिंग हो रहा है, यू नो ही फील्स फॉर हर। रघुवीर तो प्रगति की सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे प्यार करता है। वैसे हम आपको बता दें कि जल्द ही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां ये खुलासा होगा कि प्रगति ही बानी है। पर फिलहाल प्रगति को भी इस सच के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि पहाड़ से गिरने के बाद बानी अपनी याददाश्त खो बैठी है, और बुरी तरह जख्मी होने की वजह से उसके चेहरे की भी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा धमाका है, अगर ऐसा हो जाता है तो रघुवीर के लिए तो एक बहुत ही बड़ा शौक होने वाला है। ये मुझे नहीं पता ये बात रघुवीर को पता चलेगी भी कि नहीं चलेगी, और चलेगी तो कब चलेगी, लेकिन शायद आप लोग ये बात जान जाएंगे। रघुवीर, जल्द ही ये शौक आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाला है, और हमें भी इस शानदार ट्विस्ट का बेसब्री से इंतजार है। प्रियांशु झा, मुंबई आज तक।